नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच तीन टेस्ट मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच जोहानिसबर्ग में खेला जा रहा है, जहां पर भारत बेहतर प्रदर्शन कर सीरीज में 2-0 की लीड लेने के इरादे से उतरा है। आपको बता दें कि इससे पहले सेंचुरियन टेस्ट में भारत ने साउथ अफ्रीका को 113 रनों से पटखनी दी, लेकिन जीत के बावजूद भी भारत को वहां पर घाटा हो गया। दरअसल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंडर खेले जा रहे इन टेस्ट मैचों में पॉइंट्स बहुत मायने रखते हैं। ऐसे में इंग्लैंड दौरे पर 2 पॉइंट भारत के पहले से ही कट चुके थे, वहीं सेंचुरियन टेस्ट में भी भारत का 1 पॉइंट ओवररेट की वजह से काट लिया गया है, जिसके बाद कोच राहुल द्रविड़ आईसीसी के इस नियम पर थोड़ा गुस्सा करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि परिस्थितियों को देखते हुए आईसीसी को पॉइंट्स काटने चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और टीम के आगे के सफर के लिए ये पॉइंट्स दिक्कत देते हैं। मतलब राहुल द्रविड़ बता रहे हैं कि 1 पॉइंट की महत्ता इतनी बड़ी है कि फाइनल तक का सफर उस 1 पॉइंट से तय होता है, आईसीसी को परिस्थितियां देखकर ही पॉइंट्स काटने चाहिए। आपको बता दें कि सेंचुरियन मैच में ओवररेट के कारण टीम इंडिया को नुकसान उठाना पड़ा है। भारत को धीमी ओवर गति के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 1 अंक गंवाना पड़ा। इसी को लेकर भारत के मौजूदा हेड कोच राहुल द्रविड़ भी इसे खराब मान रहे हैं। इसीलिए राहुल द्रविड़ ने जब रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में टीम को बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन आईसीसी को भी थोड़ा सोचना चाहिए। द्रविड़ ने अपने बयान में कहा, आईसीसी द्वारा बनाए गए नए नियम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधिकारियों को अंक कटौती करने से पहले स्थितियों की पूरी तरह समझ होनी चाहिए। कुछ मामले में इसमें छूट दी जा सकती है। ओवर गति कम होने पर WTC अंक से कटौती किसी भी टीम के लिए फाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल कर सकती है। तो आपने सुना कि राहुल द्रविड़ ने किस तरीके से ये बयान दिया और बताया कि आईसीसी के अधिकारियों को थोड़ी समझ होनी चाहिए कि वो परिस्थितियों को थोड़ा समझ कर तब अंक काटें, क्योंकि 1 अंक फाइनल का टिकट रोक सकता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल में ऑस्ट्रेलिया अभी नंबर 1 पर बनी हुई है, जबकि श्रीलंका दूसरे नंबर पर काबिज है। इसके अलावा पाकिस्तान तीसरे पायदान पर है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है। हालांकि भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के बीच जीते हैं। इस सीजन में भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा 4 मैच जीते हैं। साथ ही भारत के सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी हैं, उसके कुल अभी तक 53 पॉइंट हैं, लेकिन PTC मतलब पॉइंट्स वोन बाय अ टीम परसेंटेज के हिसाब से भारत चौथे स्थान पर है। ये PCT का ही नियम है कि उसके हिसाब से किसी भी टीम की पोजीशन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तय की जाती है। अगर इसमें आपके पॉइंट्स कटते हैं तो टीम आपकी नीचे चली जाती है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के अभी तक 10 पॉइंट कट चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारत के 3 पॉइंट्स कटने से वो कितनी परेशानी में है। हालांकि अभी भारत के पास बहुत मौके हैं और फाइनल तक का सफर तय करने के लिए भारत को अपने ओवररेट को थोड़ा सही करना पड़ेगा और अच्छी जीत दर्ज कर नंबर 1 और 2 पर जरूर आना होगा। फिलहाल राहुल द्रविड़ ने ICC को जिस तरीके से जवाब दिया है उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।